पंजाब से हैं अनीशा जी, स्वागत है आपका हाँ जी, नमस्कार मैम। जी। नमस्कार, मैम, हमने ना नमक का जैतून मंगाया था मेरी मम्मी के लिए। क्या दिक्कत थी उनको? उनको पेट की प्रॉब्लम थी, मतलब लैट्रिन नहीं आती, पेट की समस्याएं काफी थी। और एक उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है और उनको शुगर भी है। और वो नमक जैतून भी उन्होंने लिया, और अभी पहले आप मंगवाया था रस था जैतून, शायद क्या बोलते उसको, ठीक है, एक वो, और सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन उनका ना मुंह पक जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं जल्दी। अच्छा, पेट ठीक हो गया उनका बच्चा? पेट भी अभी इतना ठीक नहीं है, मतलब है प्रॉब्लम, पेट में भी लैट्रिन नहीं आती प्रॉपर, बीपी ठीक है ठीक बहुत बढ़ता है उनका, शुगर भी ज्यादा है ठीक है जी। ठीक और है। एक सवाल मेरे पापा के लिए है। पापा का जो है वो भी ले रही हैं, एक गूंद था, गूंद सिया, ठीक है, वो ले रहे हैं, और कुछ उसमें जड़ी बूटियां हमें आकर भेजी थी यहाँ से आपने, वो भी ले रही हैं। और उनका ना ब्लड कम है, बीपी मतलब एचबी, सॉरी एचबी अच्छा, कम है, खून खून की कमी है, दर्द में और फायदा हुआ कमजोरी, दर्द उनको? में हाँ थोड़ा फायदा है, दर्द में फायदा तो है, लेकिन खून में बहुत कमी है, ठीक है ठीक कमजोरी बहुत अभी भी जी। ठीक है। बच्चा बहुत अच्छी बच्ची है, अपने मम्मी पापा का ही सवाल किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। ऐसे बच्चे बहुत भगवान को प्यारे होते हैं, लेकिन कर लेते अपने लिए भी कोई सवाल, तो कोई बात नहीं थी। और जो देखिए, मम्मी का पेट जब तक ठीक ना हो, जब तक मुंह के छाले ठीक होना मुमकिन नहीं है। और जब हमारे पेट में छाले हो जाते हैं तो मुंह में भी हो जाते हैं, ये इंतहा है। तो वो पूरा फायदा तो नहीं है, लेकिन फायदा शुरू हो गया उनको। और एक चम्मच दिन में एक बार या दो बार, एक आता है बच्चा अरंडी का तेल, ये मेडिकल स्टोर पर मिलता है, किसी अच्छी कंपनी का ले लें। अरंडी का तेल या कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, आप समझ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो एक चम्मच उन्हें पिलाया करें। और ये पिला के गरम गरम पानी या गरम गरम चाय पिला दें दिन में एक बार या दो बार, पहले एक बार से शुरू करें, तो फिर मम्मी का पेट अच्छा पूरी तरह हो जाएगा। और ये नुस्खे जारी रखें और शुगर भी कंट्रोल करें। पेट ठीक ना होने से भी शुगर में इजाफा रहता है, जिस दिन पेट से सही होता है उस दिन शुगर बहुत कंट्रोल मिलती है, ये मेरा तजर्बा है, मेरा अनुभव है। पापा के खून के लिए नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और अलसी और धनिया 100-100 ग्राम लेके हल्का सा भून के पाउडर बना लें, इसका एक चम्मच खिलाएं, और नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के ये उन्हें पिला दिया करें दिन भर में बस एक बार। तो इससे उनका खून बनना शुरू होना चाहिए, लीवर का की जिम्मेदारी फिर वो पूरी करने लगेगा अपनी। इससे दूसरे भी बहुत फायदे होंगे उनको, और ये आपके डैडी के लिए नुस्खा बहुत बेहतर है।